Welcome to Deep Classes. This is me, Kuldeep, your English mentor, and today we are going to learn phrases for expressing anger. जी, जब भी हम angry mood में होते हैं, हमारा mood कभी कभी swing हो जाता है गुस्से की तरफ, तो हम क्या करते हैं? हम गुस्से में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि अगर सामने वाले ने मेरा खून जलाया है तो मैं भी उसका खून जला ही दूं। तो चलिए सीखते हैं कि वो कौन कौन से फ्रेज हैं जिनसे हम अपना एंगर वाला एक्सप्रेशन सामने वाले के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए, गुस्सा तो सबको ही आता है और ये ह्यूमन नेचर के साथ साथ चलता है, क्योंकि इस बात से तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता कि उसमें गुस्सा नहीं है। ये ऑलरेडी ऐसा फीचर है जो भगवान ने बड़े ही शिद्दत से हम में डेवलप करके भेजा है, और ये जो गुस्सा होता है ये हमारे मुंह पे भी दिखी जाता है। तो चलिए सीखते हैं कि इसी गुस्से को हम इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करें। जी, बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर और देखते हैं कि वो कौन कौन से फ्रेजेस हैं जिनका यूज करके हम इंग्लिश में गुस्सा निकाल सकते हैं। जी, फर्स्ट फ्रेज इज यस यस फर्स्ट फ्रेज इज डोंट मैस विद मी। बोलते हैं कि मुझसे पंगा मत लो, डोंट मैस विद मी। नेक्स्ट, इट इज टू लेट नाउ। कभी कभी हम गुस्से बोलते बहुत, अब तो बहुत देर हो गया है। इट इज टू लेट नाउ। फर्स्ट वन इज डोंट मैस विद मी, यानी कि मुझसे पंगा मत लो, मुझसे दूर रहो। इट इज टू लेट नाउ, अब तो बहुत देर हो गई है। नेक्स्ट, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। ये तो आपने अक्सर मूवीज में और डेली लाइफ में भी सुना होगा कि जहां से दफा हो जाओ, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। नेक्स्ट, गो टू हेल, भाड़ में जाओ, गो टू हेल। नेक्स्ट, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर टंग। आप इसको ऐसे बोल सकते हो, इसका मतलब हुआ कि अपनी जुबान पे काबू रखो। फर्स्ट वन इज डोंट मैस विद मी। नेक्स्ट, इट इज टू लेट नाउ। नेक्स्ट, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। नेक्स्ट, go to hell. Next, mind your language. तो आपको भी अगर गुस्सा आता है और आपने भी इसमें से किसी भी फ्रेज का यूज किया तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो चलिए सीखते हैं कुछ और फ्रेजेस। जी, ये तो हम अक्सर बोलते हैं, how dare you say sir, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की। how dare you say sir. नेक्स्ट, ये भी हम अक्सर बोलते हैं कि तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले, या तुम्हें जरूरत नहीं है मुझे सिखाने की। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू नीडंट टीच मी, यानी कि तुम्हें जरूरत नहीं है, नीड नहीं है मुझे टीच करने की, मुझे सिखाने की। नेक्स्ट, ये तो हम अक्सर ही बोलते हैं और इस पर बहुत हंसी आती है कभी कभी, तो आई विल शो यू हु आई एम। अभी कौन है तू, बोलते हैं ना कि मैं दिखाता हूं तुम्हें मैं कौन हूं। आई विल शो यू हु आई एम, यानी कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं या कौन हूं। नेक्स्ट, आई विल कीप एन आई ऑन यू। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी तुम पे नजर है, यानी कि मेरी नजरें भी तुम पे ही हैं। जी, एक बार इन फ्रेजेस को रीड करते हैं। How dare you say so? Next, you needn't teach me. Next, I will show you who I am. Next, I will keep an eye on you, okay? Next, ये phrases बहुत interesting है। I hope आप भी इन phrases को सीख भी रहे होंगे और enjoy भी कर रहे होंगे। Next, ये तो हम जी, आई विल नॉट स्पेयर यू। ये तो हम अक्सर बोलते हैं कि मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं या बख्शूंगी नहीं। आई विल नॉट स्पेयर यू। नेक्स्ट, आई विल नेवर फॉरगिव यू, यानी कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा या कभी माफ नहीं करूंगी। आई विल नेवर फॉरगिव यू।
नेक्स्ट, आई हैव सीन मैनी लाइक यू. तो हम अक्सर बोलते हैं कि अरे बहुत देखे हैं मैंने तुम्हारे जैसे. आई हैव सीन मैनी लाइक यू. आई हैव सीन मैनी लाइक यू. नेक्स्ट, आई हैव नथिंग टू डू विद यू. कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं रखना, मतलब लेना देना ही नहीं रखना, कुछ भी किसी प्रकार का कोई भी कुछ नहीं रखना. आई हैव नथिंग टू डू विद यू. मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना, आगे काम नहीं करना, आगे बात नहीं करनी. वैसे तो हमें जब भी गुस्सा आता है कोशिश करें कि आप इग्नोर ही करें और नेगेटिव वाइब से दूर ही रहें. तो चलिए सीखना तो है ही. आई विल नॉट स्पेयर यू. आई विल नेवर फॉरगिव यू. आई हैव सीन मैनी लाइक यू. आई हैव नथिंग टू डू विद यू. नेक्स्ट देखते हैं और कौन कौन से फ्रेज हैं जिनका इस्तेमाल हम अपना गुस्सा निकालने के लिए कर सकते हैं. कभी कभी हम सामने वाले पे हमें गुस्सा आता है और हम ये बोलना चाह रहे होते हैं कि तुम इतने केयरलेस कैसे हो गए, या तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो. तो आप इसी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलोगे? हाउ कैन यू बी सो केयरलेस. हाउ मतलब कैसे, कैन यू बी मतलब बन सकते हो, सो केयरलेस इतनी ज्यादा लापरवाह तुम कैसे बन सकते हो. नेक्स्ट, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू. यानी कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी. आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू. नेक्स्ट, इट मस्ट नॉट हैपन अगेन. या वार्निंग देके जब छोड़ देते हो और ये बोलना चाहते हो कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए. इट मस्ट नॉट हैपन अगेन. नेक्स्ट, ये तो अक्सर बोलते हैं. व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ. कि तुम अपने बारे में सोचते क्या हो, क्या तुम अपने आप को समझते क्या हो. व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ. तो चलिए एक बार इन फ्रेजेस को रीड करते हैं. हाउ कैन यू बी सो केयरलेस. आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू. इट मस्ट नॉट हैपन अगेन. व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ. जी देखते हैं और कौन कौन से फ्रेज हैं. जी, माइंड योर ओन बिजनेस. इसका मतलब हुआ कि तुम अपने कान से काम रखो. माइंड योर ओन बिजनेस. नेक्स्ट, यू विल नॉट डू इट अगेन. कि तुम ऐसा दोबारा नहीं करोगे. यू विल नॉट डू इट अगेन. तो ये कौन कौन से फ्रेजेस अभी आपने सीखे. माइंड योर ओन बिजनेस, कि अपने काम से काम रखो. यू विल नॉट डू इट अगेन, कि तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे. सो ये थे कुछ फ्रेजेस जिन्हें आपने सीख लिया होगा. आई होप आप इन फ्रेजेस का यूज भी करेंगे. देखिए, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा. अगर आप इस वीडियो को देखोगे और इन फ्रेजेस का यूज अपनी डेली लाइफ में करोगे, चैट्स में करोगे, किसी से बात करते वक्त करोगे, तो तभी आपके लिए सेंटेंसेस या फ्रेजेस यूजफुल साबित होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग डीप क्लासेस.